आज के वीडियो में साथियों चर्चा होगी हार्मोनल इम्बेलेंस या हार्मोन का असंतुलन क्यों हो जाता है हमारे शरीर में, आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर। आज बात होगी हार्मोन क्या है, अंतःस्राव ग्रंथियां, कौन कौन सी अंतःस्राव ग्रंथियां कौन कौन से हार्मोन निकालती हैं, हार्मोनल असंतुलन के लक्षण क्या होते हैं, हार्मोनल असंतुलन दूर कैसे करें, आज का विषय है हार्मोनल इम्बेलेंस या हार्मोन का असंतुलन हमारे शरीर में क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले तो हार्मोन होता क्या है ये जानना बहुत आवश्यक है आपको। तो हार्मोन्स क्या है, हमारे शरीर में 7 डक्टलेस ग्लैंड या कहें 7 ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनसे बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में रसायन निकलता है जो हमारे रक्त में हमारी वृद्धि, हमारे तापमान को, पाचन को, यानी हमारे प्रत्येक कार्य को नियंत्रित करता है, वह रसायन हार्मोन कहलाता है। साथियों देखने में हमारा शरीर बहुत ही सामान्य दिखता है लेकिन इसमें अनेक ऐसे सिस्टम हैं जो लगातार काम करते रहते हैं। जैसे आपका हृदय 1,00,000 बार दिन भर में धड़कता है और आपकी जो आंतें हैं 24 घंटे वो बहुत तीव्र गति से काम करती रहती हैं, बहुत सी कोशिकाएं मृत होती हैं, बहुत सी कोशिकाएं बनती रहती हैं। ये बहुत ही जटिल, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पूरा सिस्टम है मनुष्य का शरीर और ये अमूल्य है। तो इसकी देखरेख, इसका ध्यान रखना और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता रहे, इसके लिए हमको सतर्क पर हमेशा रहना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि आज के जो चर्चा है वो है हार्मोन का असंतुलन क्यों हो जाता है। तो पहले मैंने बताया कि डक्टलेस जो ग्लैंड होती हैं या अंतःस्रावी ग्रंथियां, डक्टलेस इसलिए बोलते हैं कि इनमें नलिकाएं नहीं होती हैं। यह जो भी सीक्रेशन या रसायन निकालती हैं वो सीधा रक्त में मिल जाता है। सबसे पहली जो ग्लैंड होती है बहुत ही हाइपोथैलेमस, इससे निकलने वाले नर्व हार्मोन्स हमारी भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, तापमान, पाचन, वृद्धि और निर्माण, इस सारे कार्यों को नियंत्रित करती है। दूसरी जो ग्रंथि होती है वो होती है पीनियल ग्लैंड, इससे मेटानिन और सेरेटोनिन हार्मोन्स निकलते हैं। जो मेटाटोनिन हार्मोन होता है वह आपकी त्वचा का रंग धूप में जब आप निकलते हैं या रहते हैं तो काला कर देता है। इसका फायदा ये होता है कि हमारे शरीर में जो रेडिएशन होने का चांस रहता है वो घट जाता है, सूर्य के प्रकाश से, तीव्र प्रकाश से नुकसान नहीं होता हमारे शरीर को। दूसरा जो पीनियल ग्लैंड से हार्मोन्स निकलता है वो है सेरेटोनिन। सेरेटोनिन से क्या होता है कि हमारे शरीर में नींद आती है, जब हम सोते हैं लाइट बंद जैसे ही करते हैं या हमारा सोने का टाइम हो जाता है तो उस समय यह सेरोटोनिन हार्मोन निकलने लगता है जिससे हमको नींद आती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, तीसरे नंबर की जो ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि यह सभी जो अन्य ग्लैंड्स हैं उनको नियंत्रित करती है। इससे जो पहला हार्मोन निकलता है वो है TSH, थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे थायराइड की क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। दूसरा है STH, सोमोटोट्रॉफिक हार्मोन, यह वृद्धि नियंत्रित करता है। STH बढ़ जाने से बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है शरीर की और कई बार इसके घट जाने से और जो वृद्धि है वो कम रह जाती है, छोटे छोटे कद के नाटे हो जाते हैं लोग। इसके बाद होता है LTH, लैक्टोजेनिक या प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसके बाद होता है थायराइड, जो गले में पाई जाती है। थायराइड से BP कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर हमारा, और थायराइड के पीछे छोटी छोटी सी दो ग्रंथियां होती हैं जिन्हें कहते हैं पैराथायराइड ग्रंथि। इनसे दो हार्मोन्स निकलते हैं, टायसिन और इंसुलिन, यह पाचन में हमारे सहायक होते हैं। इंसुलिन से तो आप सभी लोग परिचित होंगे, इसके कम निकलने से हमारे शरीर में
वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन सही नहीं होने पाता है, इसको सीमित मात्रा में। वैसे आजकल भारत सरकार ने नमक में जो आयोडीन मिला के देना शुरू किया है, उससे इसकी कमी अब ज़्यादा नहीं होती है, वरना पहले बहुत ज़्यादा हो जाती थी। इसके बाद है एड्रिनलिन। एड्रिनल ग्रंथि होती है जो अधिवृक्क ग्रंथि भी कहलाती है। तो इससे क्या होता है, जो एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, यह अचानक जब कोई समस्या आ जाती है तो एकदम से शरीर में उत्तेजना बढ़ाने के लिए ये निकलता है। जैसे कोई घबराहट में कोई अचानक ट्रक आ जाए तो आप घबरा जाते हैं, या कोई आपको एकदम से चिल्ला के जोर से डांट दे आपको, तो उस समय आपके शरीर से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है जो आपको उस सामने वाले जो समस्या है उससे बचाने के लिए एकाएक शरीर में प्रवाहित हो जाता है। इसके बाद होती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ये 15 साल तक के बच्चों में ही काम करती है, होती है, लेकिन ये हमारे शरीर में काम करना बंद कर देती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके शरीर में प्रोटीन की मात्रा सुचारू रूप से बनी रहे, इसके लिए थाइमस ग्लैंड रहती है। तो प्रोटीन, इसीलिए बच्चों को भूख नहीं लगती, आपको बार बार मनाना पड़ता है कि आप ये खा लो वो खा लो, इस टाइप से। तो प्रोटीन का निर्माण करती है और बच्चों में होने वाले संक्रमण से भी बच्चों को बचाती है। बच्चे कुछ भी मुंह में दे लेते हैं, कई बार कुछ पेन है, कहीं कुछ है, कहीं खिलौने हैं, उसके बाद ही वो उनको बीमारी नहीं होती। उसका कारण है कि थाइमस ग्लैंड उनकी सक्रिय है, जबकि आपकी और हमारी थाइमस ग्लैंड काम करना बंद कर दिया है। इसके बाद होती है गोनोड ग्लैंड्स। पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरीज के नाम से जानी जाती है। और जो टेस्टिस होती है पुरुषों में, उसके हार्मोन टेस्टोरोन होता है। टेस्टोरोन हार्मोन का कार्य होता है शरीर में जब वो निकलने लगता है तो जो बाल अवस्था में बच्चे होते हैं 14-15 साल में, तो उनके दाढ़ी बाल मूछ निकलने लगते हैं, आवाज़ मोटी हो जाती है, उस साहस बढ़ जाता है उनका और जननांग विकसित होने लगते हैं। जबकि महिलाओं में जो ओवरीज होती है उससे 3 हार्मोन निकलते हैं। पहला है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन से पीरियड शुरू हो जाते हैं 12 साल से 14 साल के बीच में, और कम या ज़्यादा इसके असंतुलन का आगे चर्चा होगी। तो दूसरा है प्रोजेस्टेरोन जो गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करता है, और तीसरा होता है इसमें रिलैक्सिन। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय आराम से बच्चा पैदा हो जाए उसके लिए रिलैक्सन हार्मोन रहता है। हम कैसे पहचाने कि हमारे शरीर में हार्मोन्स का असंतुलन हो रहा है? सबसे पहले वजन का बढ़ना। एकाएक यदि आपका वजन बढ़ने लगे तो आप समझ जाइए कि आपके हार्मोन्स में कहीं पे अंतर आ रहा है। दूसरा है महिलाओं में पीरियड्स का कमी होना या दर्द के साथ होना या अधिक होना, ये 3 लक्षण होते हैं। चेहरे पर बहुत अधिक मुहासे यदि आने लगे तो ये हार्मोन्स की गड़बड़ी का संकेत होता है। और चौथा है चेहरे पर बाल का आना भी होता है। थकान बहुत अधिक आने लगे, थोड़ा सा भी परिश्रम करने पर थकान हो जाए तो आप समझ जाइए कि आपको हार्मोन्स का इम्बेलेंस है। सेक्स में अरुचि, इंटरकोर्स में दर्द, पुरुषों में जननांग का विकास ना होना और इरेक्टल डिसफंक्शन या शीघ्र पतन की बीमारी होना, त्वचा का काला पड़ना, बालों का झड़ना, पसीना आना और घबराहट होना, ये सामान्य हार्मोनल असंतुलन के लक्षण हैं। यहीं पे हम बालिकाओं में इन हार्मोन्स का असंतुलन कहाँ पहचान सकते हैं? जैसे उनकी आवाज़ मोटी हो जाना अचानक, स्तनों का विकास ना होना, चेहरे पर बाल और मुहासे बहुत अधिक होना, गर्मी अधिक लगना, पसीना आना, गुस्से से चिड़चिड़ाना, किसी काम में मन ना लगना, कंसंट्रेशन या एकाग्रचित्त होकर अध्ययन ना कर पाना, या कोई भी कार्य में एकाग्र ना होना पाना, और पीरियड्स में अनियमितता, कहीं कम कहीं ज़्यादा कहीं दर्द। ये वहीं हम देखें बालकों में जो असंतुलन के लक्षण होते हैं वो होते हैं आवाज़ पतली हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ
बॉयज़ या लड़कों की आवाज़ बहुत पतली हो जाती है, लड़कियों जैसी लगने लगती है। दाढ़ी मूछ का ना आना, जननांगों का सही विकास ना होना, स्तनों का बढ़ जाना, गर्मी लगना, पसीना आना, चिड़चिड़ाना, एकाग्रचित्त होकर कोई काम ना कर पाना और चेहरे पर बहुत अधिक मुहांसे होना, ये लड़कों में हार्मोनल इम्बेलेंस के लक्षण हैं। आज का मुख्य या मेन बिंदु या मेन पॉइंट कहें तो वो है ये क्यों हो जाता है। अभी हमने पहले हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं वो समझा, फिर उनके लक्षण कि किस प्रकार से हम समझें कि हमारे शरीर में हार्मोन का असंतुलन हो रहा है। अब तीसरा है मुख्य जो बताया मैंने कि किस कारण से हार्मोन का असंतुलन हो जाता है। सबसे पहला कारण है शारीरिक गतिविधि का अभाव या हमारे शारीरिक श्रम ना करना, ये मेन कारण इसमें है। नींद का पूरी ना होना, तनाव लेना, टेंशन लेना, जैसे परीक्षा का, पढ़ाई का या किसी कार्य का या काम ना मिलने का तनाव लेना, हार्मोनल दवा लेना, जंक फूड, स्पाइसी फूड और पैक्ड फूड खाने से, बहुत अधिक तेल, मसाला, चाय, कोको कोला और मदिरा का सेवन करने से भी हार्मोन का संतुलन होता है। नींद पूरी ना लेना, साथियों रात्रि 10 बजे प्रत्येक व्यक्ति को सो जाना चाहिए, सुबह 6-7 के बीच में उठ जाना चाहिए। लगभग 7 से 8 घंटे की नींद प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक होती है, यदि उसमें कमी होती है तो उससे भी हार्मोन असंतुलन हो सकता है। इसके साथ ही ऑक्सीटोसिन युक्त दूध, यदि आप जो दूध ग्रहण कर रहे हैं और वो गौपालक यदि उस गाय या भैंस को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाता है तो वो हार्मोन है और उस हार्मोन्स का कुछ अंश आपके शरीर में भी पहुंच जाता है। तो इसलिए आप इतना ध्यान रखें, यदि आप किसान हैं, गौपालक हैं या जो भी हैं, तो ऑक्सीटोसिन वैसे ही तो भारत सरकार ने बैन करके रखा है इस इंजेक्शन को, लेकिन पता नहीं कहाँ से सप्लाई होती रहती है, लोगों को प्राप्त होता रहता है। गुस्सा, तनाव, नींद ना लेने से और साथ ही बहुत अधिक खाना खाने से या बहुत कम खाना खाने से, ये इतने कारण इसके होते हैं जिसके कारण से असंतुलन होता है। अब अंतिम बिंदु साथियों कि इनसे बचने के लिए निश्चित तौर पे जो जो कारण से हार्मोन का असंतुलन होता है उन कारणों को दूर करना। सबसे पहले शारीरिक गतिविधि को बढ़ावा देना, या तो आप अपने गृह कार्य में हिस्सा लें, भाग लें, या व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, सुबह घूमें फिरें या वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट, कुछ खेल खेलें, रस्सी कूद महिलाएं करें, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो 4 किलोमीटर पैदल चलें। इसके साथ ही 10 बजे रात्रि में सो जाना, उस सुबह 7 बजे उठना, दिन में ना सोना ताकि नींद आपकी पूरी हो सके। गुस्सा, चिड़चिड़ाहट को कंट्रोल करना, तनाव रहित जीवन जीना, हार्मोनल कोई दवा यदि आप सेवन कर रहे हैं तो उसको तत्काल आप बंद कर दें। हरी सब्जियों का समावेश करें, फाइबर युक्त, ताकि आपकी पाचन शक्ति सुदृढ़ रहे। हरी सब्जी में पालक है, मेथी है, बथुआ है और गिलकी, लौकी, जो भी हरी सब्जियां हैं उनको अपने भोजन में सम्मिलित करें। ऑक्सीटोसिन युक्त जो दूध है उससे बचाव के लिए अपने गौपालक या जहाँ से भी आप दूध लेते हैं उनसे आप चर्चा कर लें कि ये हमको बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं चाहिए। तो जब आप इस प्रकार से कहेंगे तो वो उसका प्रयोग करना भी बंद करेंगे। खाना संतुलित मात्रा में लेना, और इसके अलावा यदि कोई ऐसे लक्षण आपको अधिक असंतुलन के दिखते हैं तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। ये बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है जो कारण को अलग करने से ठीक हो जाती है, और नहीं होती है तो फिर छोट थोड़ी बहुत दवा लेने से भी ये ठीक हो जाती है। आज आपसे लेता हूँ विदा, नमस्कार।